बॉबी लैशली को फायर कर दिया एडम पियर्स ने, तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रॉ के मेन इवेंट में बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच था, जिसमें जीतने वाले को मिलता यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच। और जिस मैच में लग रहा था कि बॉबी लैशली आराम से जीत जाएंगे और अपने गुस्से पे काबू पाना पड़ेगा बॉबी लैशली को जीतने के लिए मैच, और पूरे मैच में लग भी रहा था कि बॉबी लैशली डोमिनेट कर रहे हैं मैच में, सेथ रॉलिंस इन द एंड फ्रॉग स्प्लैश भी देते हैं, स्टॉम्प भी रोक देते हैं सेथ रॉलिंस का। पर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि रेफ बम्प होता है, रेफ बाहर चला जाता है और बॉबी लैशली का जो जीतने वाला मोमेंट होता है उसको रेफ स्क्रू कर देता है, क्योंकि रेफरी पिन सही से नहीं करता। और जब सेथ रॉलिंस पेडिग्री देते हैं तो रेफ तेज से पिन कर देता है, उससे गुस्सा होके लैशली हार जाती है, और उस गुस्से में लैशली रेफरी पे अटैक करते हैं, एडम पियर्स पे अटैक करते हैं, और फिर एडम पियर्स बॉबी लैशली को बोलते हैं यू आर फायर्ड। तो यही होता है रॉकी एंडिंग। अब देखते हैं अगले हफ्ते होता क्या है।